वापस दिल्ली के मुकुंदपुर में रेप के बाद लड़की की हत्या और उसके बाद डेड बॉडी से भी रेप कर बाहर झाड़ियों में फेंकने के मामले में पुलिस ने भले ही केस सुलझाकर आरोपियों को पकड़ लिया हो, पर इस विभीषण घटना पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बुधवार शाम सैकड़ों लोग मुकुंदपुर में जमा हुए और मुकुंदपुर से रिंग रोड रेड लाइट तक कैंडल मार्च निकलकर गुस्से का इजहार किया और लोगों ने कठिन कानून के साथ साथ आरोपियों को फांसी देने की मांग की और पुलिस पर आरोप लगाया कि इस वारदात में कई लोग शामिल थे, पर पुलिस ने दो लोगों को बताकर कुछ लोगों को बचाया है। इस पर भी लोग इंसाफ मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह तस्वीर है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुकुंदपुर नामक गांव की, जहां से सभी लोग एक 24 साल की लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को भलसवा डेयरी इलाके में एक फैशन डिजाइनर युवती के साथ बेहशी युवकों ने बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बेहशीपन की सारी सीमाएं लांघते हुए इन दोनों नर पिशाचों ने युवती के मौत के बाद भी उसके शव के साथ बलात्कार कर उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके बाद इसके विरोध में आरोपियों की फांसी देने की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने लड़की के घर से मुकुंदपुर रोड रेड लाइट तक एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और इंसाफ की मांग की। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को आरोपी बताया है, किंतु परिवार वालों के मुताबिक इस वारदात में और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस बयान नहीं कर रही है। की बहुत उम्मीद थी, मैं अपने पढ़ाई लिखाई को मेरी बहन लेकर इतनी उम्मीदें कर रखी थी कि मैं अपने मम्मी पापा का अपने पूरे परिवार का इतना ख्याल रखूंगी कि मेरा कोई भाई भी नहीं कर सकता। मेरे पापा ने अपने धरती आसमान को एक करके मेरी बहन को पढ़ाया और मेरी बहन के साथ इतना गलत हुआ। मुझे इंसाफ चाहिए, उसे फांसी चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को अपने पूरे जी जान से लाख से पढ़ाए। क्या शौक चाहते हैं आप मुझसे? क्या शौक था आपकी बहन का? किस चीज का वो पढ़ाई कर रही थी? फैशन डिजाइनर मऊ से, मेरे जिला मऊ है, मेरे वहाँ से फैशन डिजाइनर की आईटीआई की थी, इलाहाबाद से आईटीआई की थी, ग्रेटर नोएडा से सीटीआई करके। यार ना बैठोगे तो दो मिनट से बैठो, प्राइवेट जॉब लगा था और दो एक महीने के लिए, एक महीने की, और इसके बाद दूसरा जॉब छोड़ कर दूसरा मिल गया। जब वहाँ गई और 20 दिन तक जॉब की, घटना उसके बाद हो चुकी है। सबके ऐसी इज्जत किसी की नहीं बिगाड़नी चाहिए। क्या तरीका था उस लड़की की बेकदरी करी है और जाकर मंडी में फेंक दी वो लड़की। आज हमारा का भी खून चाहिए, जैसे हमारा खून फेंका है, हमारा का भी तो खून चाहिए, हमारा भी तो खून है, तो भर रहा है खून के बदले खून चाहिए। एक भी कुछ भी नहीं करा, एक भी नहीं पकड़े। असली बात सब पकड़ी नहीं जा रही। क्या करेंगे, क्या करेंगे? लड़की के साथ हमारे पुलिस वाले उसको छुपा रखा है, लड़कों को भी छुपा रखा है, और पुलिस वाले गली में आता है तो हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहीं डांटता है, हम लोग कहीं डांटता है पुलिस वाले। पुलिस वाले ने घर बच्चों की हानि करी है, ना तो गली में गुंडागर्दी करती है, ना कोई काम करते हैं और डालते हैं कुछ भी।